नहीं है, ये महाकाल एक्सप्रेस है। महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। सीएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम बता दें, हम मौजूद हैं इस समय थाने शहर का जो रेलवे स्टेशन है वहां पर। हमारे पीछे देख रहे हैं आप तमाम शिवसैनिकों की भीड़, लंबी कतार हमारे पीछे खड़ी हुई है। हम आपको बता दें, पुनः एक बार वापस बता दें कि वर्ष 2018 में 23 नवंबर 2018 में शिवसेना जो है पहले मंदिर फिर सरकार को लेकर के मुद्दे को लेकर के अयोध्या गई हुई थी। और इस बार जो करीबन 15 महीने 11 दिन तकरीबन के दरमियान फिर वापस शिवसैनिक जो है अयोध्या का गमन कर रहे हैं, अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे हैं थाने स्टेशन से। हमारे बीच में कुछ शिवसेना कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार का जो दौरा हो रहा है वो किस मुद्दों को लेकर के हो रहा है और वहाँ पर जाने पर क्या योजना इनकी है। हमारे बीच में महावीर पैनलू जी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करें क्या कहेंगे सर इस बार कौन सा दौरे जो दौरा हो रहा है, इस बार कौन सी मांग को लेकर के या कौन सी ऐसी आप लोगों की जो आस्था है या किस विश्वास को लेकर के इस बार अयोध्या जा रहे हैं। इस बार जो दौरा है सम्माननीय पक्ष प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के आदेश में और पालक मंत्री नामदार एकनाथ शिंदे जी के मार्गदर्शन में आज हम भगवान को नमन और प्रणाम करने के लिए जा रहे हैं। इसके पहले भी शिवसैनिक गए हैं, 1992 में गए हैं, वो विवादित ढांचा उन्होंने गिराया है। 1918 में गए हैं और उस समय हमारा उद्देश्य एक ही था, जो वर्षों से लंबित सुप्रीम कोर्ट में जो ये मसला था वो कैसे जल्दी से जल्दी दूर हो, इसके लिए हम लोगों ने वहाँ पर जाकर ये भगवान से प्रार्थना करने के लिए गए। और खुशी की बात यह है कि नवंबर 2019 में हम सभी हिंदुओं के पक्ष में ये निर्णय आया इस खुशी में। और हम जब वहाँ गए उद्धव साहब के नेतृत्व में तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि निर्णय भी हमारे पक्ष में आया और साथ ही साथ उद्धव साहब जो पक्ष प्रमुख थे उस समय आज इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो गए हैं। मगर मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी वो गुमान में कतई नहीं है, वो महाराष्ट्र के राजा हुए हैं मगर पूरे दुनिया के राजा श्री राम हैं। उनके चरणों में नतमस्तक होने के लिए वो गए हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि दस्तूर मोहब्बत का है यही कि हस्ती को मिटाना पड़ता है, जिस गम को फरिश्ते सह न सकें उस गम को भी उठाना पड़ता है, तस्कीन दिलो जहाँ की खातिर हर उस गली में जाना पड़ता है, ये सर जो कहीं पर झुकाना हो उस दर पर झुकाना पड़ता है। सर झुकाने के लिए हमारे उद्धव साहब और तमाम शिव सैनिक जो है उस अयोध्या की नगरी में सरजू माता को नमन और प्रणाम करने के लिए जा रहे हैं। और एक बार गए तो मुख्यमंत्री हुए, दोबारा जा रहे हैं, न जाने क्या भगवान हमारी झोली में और उद्धव साहब की झोली में डाल सकते हैं। मगर उसके साथ साथ मंदिर निर्माण तो होना ही होना है, इसमें कहीं पर कोई शंका लेस मात्र नहीं है। मगर एक और हमारी फरियाद रहेगी प्रभु राम के चरणों में कि जो दुनिया में कोरोना नाम का वायरस जो महामारी के रूप में पूरी दुनिया में फैल रहा है, ये वायरस जो है मेरे देश में मेरे प्रदेश में न फैलने पाए। हमारे जो किसानों की जो आत्महत्या थी वो कम हो गई है शिवसेना राज में, वो पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए। इसी आशा और अभिलाषा के साथ में हम उस पुण्य नगरी अयोध्या में जा रहे हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। हमारे बीच में कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जो शिवसेना की जो इस बार जो दौरा हो रहा है किस उद्देश्य को लेकर कर क्या कहेंगे सर आप इस दौरे के जो अभी दौरा हो रहा है उसकी टीम के सदस्य हैं, यहाँ से जा रहे हैं प्रस्थान कर रहे हैं, कौन सी ऐसी मांग रही या कौन सी ऐसा आस्था का केंद्र रहा, क्या विश्वास रहा जिसको लेकर के आप लोग जा रहे हैं। 2018 में हम सब उद्धव जी के और थाना से माननीय एकनाथ जी साहब के नेतृत्व में हम यूपी गए थे। अयोध्या जय श्री राम का बहुत जोरों से नारा लगा के हम यहाँ गए थे। राम जी के आशीर्वाद से उद्धव जी आज महाराष्ट्र के सीएम बने हैं और हमारे आधार स्तंभ माननीय एकनाथ जी शिंदे यहाँ के पालक मंत्री रहे और आज महाराष्ट्र के सरकार में अच्छा खासा मंत्रिपद उनके पास है और महाराष्ट्र में सरकार महाआघाड़ी अच्छी तरीके से काम कर रही है, किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, महिलाओं के लिए, हर किसी के लिए। तब हमारा ये नारा था कि पहले मंदिर फिर सरकार और प्रभु राम के आशीर्वाद से अब सरकार बन गई है और जो उन्होंने आशीर्वाद दिया था हम उनका आशीर्वाद लेने के लिए फिर से हम यूपी जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं। जय श्री राम। चलिए, ये जो अयोध्या का दौरा है निश्चित तौर से इन लोगों का सफल रहेगा और एक अभियान के तहत जय श्री राम का जो नारा लग रहा है वो संपूर्ण भारत में गूंजेगा। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महेंद्र पांडे, मुंबई। सीएन न्यूज की स्पेशल पेशकश में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम बता दें, हम मौजूद हैं इसमें मध्य प्रदेश के सतना स्टेशन हमारे पीछे देख रहे हैं, जो शिवसेना की ट्रेन जो स्पेशल अयोध्या के लिए जा रही है
18 से 19 घंटे तकरीबन समय बीत चुका है, हमारे बीच में शिवसेना के बड़े नेता इस समय मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर क्या कहेंगे, किस प्रकार का सफर रहा जो 18 से 20 घंटे। 7 तारीख उद्धव साहब पक्ष प्रमुख मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य अयोध्या जा रहे, उनके साथ श्री राम जी का दर्शन लेने के लिए और सरयू नदी पर महाआरती करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। कल दोपहर 2 बजे से थाना से प्रवास शुरू हुआ है, लगभग 20-22 घंटे हो गए, अच्छे ढंग से प्रवास हो रहा है, खान पान की और बाकी सब अच्छी सुविधा है और बड़ी उत्साह के साथ लोग जा रहे हैं। लोगों की जो भावना है राम मंदिर जल्दी होना चाहिए और इसके लिए सब व्यवस्था अच्छा है और सब आनंदी वातावरण में जा रहे हैं। सर 18 से 20 घंटे का समय दरमियान तकरीबन बीत चुका है और करीब 2000 के करीब में लोग जा रहे हैं, तो मतलब मेडिकल वगैरह सुविधाएं क्या हैं, अगर और भी समय बीतेगा जैसे 20 घंटे 24 घंटे तो लोगों को हो सकता है कोई तकलीफ है, तो उसमें मेडिकल सुविधाएं वगैरह क्या हैं? खान पान की व्यवस्था के साथ में भी डॉक्टर अपने साथ, डॉक्टर की टीम है, पूरा बंदोबस्त है, 4 डॉक्टर अपने साथ में है, अभी तक तो ऐसा कुछ सवाल आया नहीं, प्रिकॉशन करके हमारे साथ में 4 डॉक्टर की टीम है। तो जानना चाहिए बड़ी संख्या में महिलाओं का भी जो है जो जा रहे हैं, महिलाएं भी साथ में इस ट्रेन से जा रही हैं, तो उनके लिए क्या सुविधा विशेष रही है? हर एक हिंदू की भावना है राम मंदिर होना चाहिए और ये बात बड़ी सौभाग्य की है कि महिलाओं का भी सहभाग है। एक्चुअली ज़्यादा संख्या में महिलाएं सहभागी होने के लिए उनकी इच्छा थी, मगर एक गाड़ी और उसमें कितना लोग लेके जाएंगे और महिलाओं की असुविधा न होए करके हम लिमिटेड महिला साथ में आई है, 2000 लगभग सब लोग है। हमारे बीच उनसे जानने की कोशिश करेंगे, सर क्या कहेंगे, जो दौरा रहा है किस प्रकार का सफर रहा है, अभी तक जो सफर रहा है किस प्रकार का रहा है? एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया, आप हमारे साथ में, हमको कुछ दिक्कत नहीं है। जैसा देख रहे हैं कि हमारे पीछे जो दौरे लग रहे हैं, मतलब जो नारे लगाए जा रहे हैं, जैसे जो उत्साह थाने स्टेशन से बरकरार और शायद ये जो उत्साह इनका कई गुना में तब्दील हो जाएगा। हमारे बीच में कुछ और चाचा क्या कहेंगे, आप एक सबसे वरिष्ठ आप दिख रहे हैं, और क्या कहेंगे जो सफर अभी तक रहा है? बहुत बढ़िया सफर चल रहा है, बढ़िया कारण से जा रहे हैं और सब आनंद से जा रहे हैं, आनंद से काम होगा, कोई तकलीफ नहीं है, बहुत सुंदर है, भोजन पानी की व्यवस्था है, नाश्ता पानी की व्यवस्था है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है और सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आप एक बुजुर्ग हैं, क्या मतलब अपेक्षा रख करके आप अयोध्या जा रहे हैं, कौन सी अपेक्षा रख करके आप अयोध्या जा रहे हैं? आपको राम मंदिर को सपोर्ट, राम मंदिर बनना चाहिए, राम मंदिर बन रहा है, बन जाए जल्दी, वही अपेक्षा है, जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। हमारे बीच में एक युवा मौजूद हैं, जोशीले युवा मौजूद हैं, उनसे जानने को क्या कहेंगे, अभी तक करीब 18 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है, क्या कहेंगे जो दौरा हो रहा है? 18-19 घंटे का जो भी समय बीत चुका है, हमारे जितना यहाँ के शिवसैनिक है, हमारे नेता बड़े नेता गोपाल लांडिक साहब है, जो भी यहाँ पे ट्रेन में सारी सुविधाएं 1 नंबर की है, और जो भी यहाँ पे महिलाएं हैं उनको टाइम पे भोजन नाश्ता सब कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है, और हमारे पास यहाँ पे डॉक्टर की टीम पड़ी हुई है, कोई भी किसी भी चीज़ की तकलीफ हो रही है तो हमारे डॉक्टर एंड टाइम पे मौके पे पहुँच जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी सर, चलिए सारी सुविधाएं जो है मौजूद है, जो ट्रेन जा रही है अयोध्या, तकरीबन 2:30 से 3 बजे के दरमियान अयोध्या में जो है ये ट्रेन पहुंचेगी, और बने रहें हमारे साथ, हम देंगे पल पल की खबर। लगभग 20 घंटे के दौरान, जो 20 घंटे का सफर करने के बाद जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं हमारे पीछे, हम देखें ये इलाहाबाद का बोर्ड लगा, इलाहाबाद जंक्शन पर पहुंचे हुए हैं, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो दौर रहा है, इस बार का जो दौरा रहा है वो किस प्रकार का रहा, अभी तक सफर का जो रहा है वो किस प्रकार से, इन लोगों को सर क्या कहेंगे, जो अभी सफर का आपका दौर रहा है यहाँ तक आने का, लगभग 20 घंटे बीत चुके हैं, 20 घंटे को लेकर के जो सफर रहा वो कैसा रहा? बहुत खुशी से सफर, जोश में था, और बाला साहब के आशीर्वाद से बहुत अच्छा खुशी सफर हुआ हमारा, खाने में अच्छा मिला, नाश्ता मिला, चाय मिला,
गाड़ी में बैठने को सुविधा मिला सबको, कोई ऐसा खड़ा होके आया नहीं, सब बैठ के आए, सो के आए, बराबर नींद का टाइम भी नींद लिया, कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी भी अच्छा चलाया अपना इसने, कैप्टन ने, ड्राइवर ने, वो भी खुशी हो गए। सर आप क्या कहेंगे कि जो अभी 20 घंटे का सफ़र करके आप लोग इलाहाबाद पहुँचे हैं, किस प्रकार का सफ़र है? हम लोग तो मेरा ओर से आए, मैं शाखापुर ज्ञानेश्वर बोमले हैं, मैं उधर से 200 आदमी लेके थाना में आए, थाना से हम लोग थाना से ट्रेन पकड़ा अभी इलाहाबाद से, अभी 20 घंटा हो गए, हमको बहुत खुशी है इलाहाबाद आके। अभी हम अयोध्या जा रहे हैं, अयोध्या हमारे लाडले मुख्यमंत्री श्री उद्धव जी ठाकरे साहब आ रहे, कल 7 बजे सुबह 7 बजे हम राम मंदिर राम लीला का दर्शन लेंगे, रात को शरू नदी के तीर पे हम आरती लेंगे, बाद में अपना आगे कार्यक्रम चालू रहेगा। सर क्या कहेंगे, किस प्रकार का सफर रहा है, आप अपना नाम बताओ, क्या कहेंगे जो इस बार का दौर रहा उसको लेकर? मैं भी मुंबई संदीप शर्मा, जिला संगठक उत्तर भारतीय विभाग से, भारी मात्राओं में हमारे उत्तर भारतीय यहाँ अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं और बहुत खुशी हुई, हमारे पूरे उत्तर भारतीय टीम भारी मात्राओं में अयोध्या के लिए रवाना हुई और पूरा धूमधाम से गाना बजाना के साथ ट्रेन में एंजॉय करते हुए पहुंच रहे और इलाहाबाद से अभी रवाना होने वाले हैं हमारे पूरे उत्तर भारतीय की तरफ। और आपका किस प्रकार का जो दौरा आपका रहा, किस प्रकार का?